फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में एक साथ कई बॉलीवुड स्टार्स साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में करण जौहर के साथ बोमन ईरानी, सोनाक्षी सिन्हा, दिलजीत दोसांझ, लारा दत्ता, राणा डगुप्ती जैसे स्टार्स नजर आएंगे। खास बात यह है कि करण जौहर एक बार फिर से फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं, इसमें उनका डबल रोल होगा। करण जौहर इससे पहले बॉम्बे वेलवेट में नजर आए थे। फिल्म के पोस्टर रिलीज के साथ एक मजेदार वीडियो शेयर किया गया है। जब से इसका पोस्टर और वीडियो आउट हुआ है, तब से यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो को करण और दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो बहुत दिलचस्प अंदाज में जारी किया गया है, जिसे देखते हुए यह लगता है कि इसे लीक किया गया है, लेकिन वीडियो के अंत में पता चलता है कि यह कोई लीक वीडियो नहीं है। इसमें दिलजीत, करण और सोनाक्षी सिन्हा को कॉल करते हैं और इनकी बातों के बीच बोमन ईरानी का कॉल आ जाता है। इस वीडियो के अंत में अचानक सलमान खान का कॉल आता है। माना जा रहा है फिल्म में सलमान खान भी होंगे। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन चक्री तोलेती कर रहे हैं। चक्री इससे पहले साउथ की कई बड़ी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। यह पहली ऐसी इंडियन कॉमेडी फिल्म होगी जो कि 3D में रिलीज हो रही है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इस फिल्म का नाम पहले बूम बूम इन न्यूयॉर्क था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर वेलकम टू न्यूयॉर्क रखा गया है। जानकारी के मुताबिक फिल्म की कहानी आईफा अवार्ड्स के आसपास घूमती नजर आएगी। यह फिल्म 23 फरवरी को रिलीज होगी।